सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रॉकस्टार एडिटिंग चैनल। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ इस टाइप का ब्लैक एंड ब्लू टोन फोटो एडिटिंग करके दिखाने वाले हैं। एंड इसमें जो आप देख रहे हो, इसमें बरसात हो रही है, रेन, और ये जो बिजली कड़क रही है, ये सब हम PNG की मदद से लगाए हैं। तो PNG का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कैसे फोटो एडिटिंग किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर अपने हम लाइटरूम ऐप को ओपन कर लिए हैं। लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेने के बाद आपको प्लस वाला ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना होगा इधर, और इधर पे क्लिक कर लेने के बाद एक फ़ोटो अपना ऐड कर लेना होगा। ठीक है, तो उसको हम ऐड कर लेते हैं जिसको एडिट करना है। तो गाइस, यहाँ पर हमारा जो फ़ोटो ऐड हो गया है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमारा जो फ़ोटो है लाइटरूम ऐप के अंदर आ गया है। अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कलर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, और मिक्स कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। मिक्स कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद आपको सबसे पहले आना है ग्रीन वाला ऑप्शन पे, और इसके सैचुरेशन को पूरा फुल माइनस कर लेना है, और लिमनेस को भी माइनस कर लेना है -17 करीब। और फिर येलो वाला ऑप्शन पे आना है, और इसके सैचुरेशन को पूरा फुल माइनस कर लेना है। फिर ब्लू वाला ऑप्शन पे आना है, इसके भी सैचुरेशन को पूरा फुल माइनस। ये डार्क ब्लू वाला ऑप्शन पे आना है, इसके भी सैचुरेशन को पूरा फुल माइनस कर लेना है। सॉरी, इसको पूरा फुल नहीं, इसको करीब 78 करीब माइनस कर लेना है। ओके, इतना कर लेने के बाद ये सेकंड नंबर वाला ऑप्शन पे आना है गाइस, और इसके लिमनेस को आपको प्लस कर लेना है 13 के अराउंड, और सैचुरेशन को -11 के अराउंड कर लेना है। इसके बाद आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड इसके भी सैचुरेशन को पूरा फुल 100 माइनस कर लेंगे। तो फ्रेंड, इतना ऑप्शन हो जाने के बाद फिर डन वाला ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे। डन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और फिर सबसे पहले हाईलाइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और इसके सैचुरेशन को बढ़ा लेंगे करीब 21 करीब, और इसकी ह्यू को ब्लू के कलर की तरफ लाकर छोड़ेंगे। ठीक है, और फिर इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ग्लोबल वाला ऑप्शन पे, एंड इसके भी सैचुरेशन को बढ़ाएंगे, और ह्यू को ब्लू वाला ऑप्शन पर लाकर छोड़ देंगे। ठीक है, इतना कर लेने के बाद फिर डन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। डन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद गाइस, सबसे ऊपर की तरफ आएंगे इस वाला ऑप्शन पर। इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लीन दूसरे नंबर वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, लीनर वाला ऑप्शन पर, और एक यहाँ पर एक ग्रेडियंट ले लेंगे ऐसे स्काई पे। ठीक है, ऐसे। सो गाइस, हम स्काई के कलर को चेंज करने वाले थे, इसके लिए हमको इसको लेना पड़ा। तो इसको कर लेने के बाद ऐसे फिर कलर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर कलर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस वाला गोल वाला ऑप्शन को पकड़ कर आपको ब्लू टोन पे लाकर छोड़ना है ब्लू की तरफ। ठीक है, ऐसे। ठीक है, इतना कर लेने बाद एंड इसके सैचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है करीब 17 करीब। तो फ्रेंड, इतना ऑप्शन हो जाने के बाद फिर सही वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, सही वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद लाइट वाला ऑप्शन पर आएंगे, फिर कर्व वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एंड फिर ब्लू वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और इसको बीच वाला लाइन को पकड़ कर ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे ले जाएंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप से ऐसे लेके जाएंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, और इस वाला लाइन को पकड़ के इसको ऐसे लेके जाएंगे। ठीक है, तो इतना ऑप्शन हो जाने के बाद फिर डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर इसके शैडो को माइनस करेंगे पूरा फुल 100, और हाईलाइट को थोड़ा सा कम कर लेंगे करीब 13 के अराउंड कर लेंगे, और कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा माइनस कर लेंगे ब्लैक 13 करीब, और ब्लैक्स को थोड़ा सा प्लस कर लेंगे करीब 7 करीब। ठीक है, और एक्सपोजर को भी थोड़ा सा माइनस करेंगे -10 करीब। तो फ्रेंड, इतना ऑप्शन हो जाने के बाद अभी आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर ब्लैक एंड ब्लू टोन आया है अभी हमारा फोटो में। अब क्या करना होगा, आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, और फोटो में विग्नेट दे देना है। ठीक है, तो विग्नेट को हम कर लेते हैं -35 के राउंड कर लेते हैं, और फेदर को थोड़ा सा बढ़ा लेना होगा आपको 83 करीब। ठीक है, और राउंडनेस को भी बढ़ा लेना होगा 35 करीब। तो फ्रेंड, इतना ऑप्शन हो जाने के बाद अब इसको हम शेयर कर लेते हैं पिक्सा टाइप में, वहीं पर वो बारिश वाला रेन वाला PNG लगाएंगे। तो PNG का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसको हम शेयर कर लेते हैं पिक्सा एप्लीकेशन के अंदर। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमारा जो फोटो है पिक्सा एप्लीकेशन के अंदर आ गया है। तो PNG लगाने के लिए आपको ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करना होगा। ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करोगे तो आप गैलरी पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो फिर आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको PNG डाउनलोड वाला ऑप्शन पे अगर डाउनलोड करेगा तो हमारा पिंस में, तो PNG में लगा लेते हैं। सबसे पहले ये वाला PNG लगाएंगे, तो इसके ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लेने के बाद आपको क्या करना होगा, नीचे तरफ आना होगा,
तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको ब्लेंड वाला, तो ब्लेंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको स्क्रीन कर लेना होगा। ठीक है, स्क्रीन कर लेने के बाद कुछ इस टाइप से इसको जूम करेंगे, ऐसे जूम करने के बाद इसको कुछ इस टाइप से ऐसे लगा लेंगे। ओके, ऐसे लगा लेने के बाद फिर इसके ऊपर क्लिक करके इसके ओपेसिटी को कम कर लेंगे। ठीक है, करीब 87 करीब कर लेंगे इसके ओपेसिटी को। एडीसी का एक और डुप्लीकेट बनाना है हमको, तो डुप्लीकेट बनाने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट बना लेंगे। ठीक है, एंड इसको कुछ इस टाइप से यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है गाइस, एंड ऐसे लगा लेने के बाद एक और डुप्लीकेट बनाएंगे। सो फ्रेंड, इसको कुछ इस टाइप से ऊपर की तरफ ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, और इसका ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेंगे, करीब 17 करीब। इतना ऑप्शन हो जाने के बाद फिर सही वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। अब हमको एक रेन वाला पीएनजी ऐड करना है, तो उसको भी हम फटाक से ऐड कर लेते हैं। तो फ्रेंड, ये वाला पीएनजी आ गया है, तो इसको भी आपको ब्लेंड मोड पे जाना है और स्क्रीन कर लेना है। ठीक है, स्क्रीन करने के बाद कुछ इस टाइप से ऐसे जूम कर लेना है एंड यहाँ पर ऐसे लगा लेना है, और इसी का एक और डुप्लीकेट बनाना है और इसके नीचे की तरफ ऐसे नीचे लगा देना है ऐसे। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो फोटो पूरा अच्छी तरह से एडिट हो चुका है और काफ़ी मस्त लग रहा है। यहाँ पर पीएनजी सब लग गया है रेन वाला और काफ़ी मस्त भी लग रहा है। तो इसको गैलरी में सेव करने के लिए ड्रा वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके सेव इमेज पर क्लिक करेंगे, तो हमारा जो फोटो है गैलरी में सेव हो जाएगा। तो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमको इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हो तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, स्क्रीन पे आईडी दिख रही होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।